नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी वर्षा, जिसमें उज्जैन में नागदा में 68 mm और मुरैना में 64.8 mm, ये दो जगहों पे माने आइसोलेटेड प्लेसेस पे पश्चिम मध्य प्रदेश में भारी वर्षा। और अभी अगर आप सैटेलाइट विंड्स में जो सिनॉप्टिक सिचुएशन है वो देखें, एक दक्षिणी गुजरात के ऊपर एक मध्य छोर मंडल स्तर पर एक चक्रवाती घेरा है, साथ में ऑफशोर ट्रफ भी साउथ गुजरात से लेकर दक्षिण पटारी जो तटरेखा है उसके साथ साथ बना हुआ है। एक पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन है जो पूर्वोत्तर राजस्थान से लेकर बांग्लादेश तक फैली हुई है, उत्तर प्रदेश होते हुए मध्य और दक्षिण उत्तर पूर्वी पाकिस्तान के आसपास भी एक चक्रवाती घेरा है। साथ में जो मानसून ट्रफ है वो आज बीकानेर उरई चुरू से होते हुए पुरुलिया होते हुए बंगाल की खाड़ी का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है वहां तक विस्तृत है। इन सभी परिस्थितियों के चलते हुए मध्य प्रदेश में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी आ रही है और आज कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा के आसार है, जिसमें आप अगर आप मैप में देखें तो आगर, गुना, शिवपुरी, शिवपुरकला, मुरैना, फिर इन सभी जगहों पे ऑरेंज अलर्ट दिया है, जहां पे अति भारी वर्षा माने 12 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। जबकि इनसे लगे हुए दूसरे जिले जिसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल के कुछ हिस्से, सीहोर, देवास, अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, छतरपुर, सागर, मंडला, शिवनी, पांडोना, इन सभी जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा माने 5 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज हो सकती है। जबकि प्रदेश के शेष जिलों में कई जगहों पर थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग माने गरज चमक के साथ हल्के से मध्यम वर्षा और कहीं कहीं बिजली गिरने की घटनाएं अभी अगले 24 घंटों तक रहेगी। 24 घंटे बाद वर्षा में थोड़ी कमी जरूर आएगी, हालांकि कुछ जगहों पे कहीं कहीं पे भारी वर्षा कल भी चांसेस रहेंगे, जिसमें नीमच, शिवपुरकला, भिंड, शिवपुरी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, महोगंज, मैहर, सीधी, सिंगरौली, रायसेन, ये सारे जिले हैं जहाँ कहीं कहीं पे 5 से 8 सेंटीमीटर की बारिश हो सकती है, जबकि शेष जिलों में हल्के से मध्यम वर्षा का दौर रुक रुक कर जारी रहेगा। 72 घंटे की अगर सिचुएशन देखें तो प्रदेश के कई जिलों में जो बारिश गतिविधियां वो कम हो जाएंगी, भारी वर्षा के चांसेस नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी हल्की फुहारें जारी रहेंगी। डे 4 डे 5 के बाद सिस्टम्स फिर से एक बार एक्टिव होंगे, वहाँ पे जो पूर्वी मध्य प्रदेश के खासकर उत्तरी हिस्से हैं और पश्चिम मध्य प्रदेश के जो मध्य हिस्से हैं, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, सागर और ग्वालियर संभाग, इनमें कई जगहों पे 8 जुलाई के आसपास भारी वर्षा की संभावनाएं बनी रहेंगी। अगले 24 घंटों के दौरान हमने प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, सागर संभाग में कई जगहों पे वज्रपात के लिए विशेष अलर्ट दिया है, जहां पे लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही शिवपुरकला, पश्चिमी शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इन जिलों में कुछ जगहों पे फ्लैश फ्लड माने वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो जनसाधारण को उस हिसाब से चेतावनी का पालन करते हुए सावधानियां बरतनी चाहिए। धन्यवाद।